नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी पूर्व मंत्री के निर्देशन पर जिला कांग्रेस कमेटी आजमगढ़, महिला जिला अध्यक्ष शीला भारती की अध्यक्षता में महामहिम राज्यपाल महोदय को विभिन्न मांगों का ज्ञापन जुलूस निकाल कर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा गया। महिला जिला अध्यक्ष शीला भारती ने बताया, हमारी मुख्य मांगे उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को सुनिश्चित की जाए। वाराणसी की बेटियों को भावनाओं का ख्याल रखते हुए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस घटना के लिए देश की बेटियों से माफी मांगे। माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जी द्वारा घटना में भाजपा से संबंधित लोग शामिल हैं कहने पर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया। माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की यह कथन बात में सच साबित हुआ, अतः उनके ऊपर दर्ज मुकदमे को तत्काल वापस लिया जाए। इस मौके पर रमेश राजभर पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, मोहम्मद नजम समीम सर अध्यक्ष, सीमा भारती, प्रेमा चौहान, किरण कुमारी, विवेक राय, कावेरी दुबे, मीना, सुषमा, मंजू, लक्ष्मी यादव, विद्या भारती, पुनीता पांडे, सरता राजभर, करिश्मा भारती, शोभा देवी, पद्मावती देवी, राजमती, गीता, मंजू यादव, तेज बहादुर यादव, मुन्नू यादव, मुन्नू मौर्य, शाहिद खान, शंभू शास्त्री, प्रदीप यादव, प्रमोद यादव, ब्रजेश पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। न्यूज नाइन भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। मेरा नाम शीला भारती है, कांग्रेस कमेटी महिला जिला अध्यक्ष हूँ और हम लोगों की मांगे हैं कि अपराधियों को फांसी दिया जाए, अपराध को कम किया जाए और जो प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र है उनका वहाँ जो घटना घटी है दो अक्टूबर को जो घटना घटी है हम लोग वहाँ न्याय मांग रहे हैं और महिलाओं को सुरक्षा मांग रहे हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो लड़े इस पे सच बोले वो मुकदमा वापस किया जाए जो फर्जी मुकदमा लगाया गया है, ये हम लोगों की मांग है। अगर आपकी मांगें पूरी होती तो आगे क्या रणनीति होगी? आगे हम लोग सड़क पर उतरने का कार्य करेंगे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।